Good morning, everyone. And how are you? I'm also fine. You would be fine at your place. आज आपके सामने मैं टेंस का प्रेजेंट टेंस लेकर आया हूं. इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे बड़े ही माइन्यूट तरीके से. ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच हमने कंप्लीट कर दिए हैं. आज हम टेंसेस शुरू करने वाले हैं. इंट्रोडक्टरी पार्ट में करवा चुका हूं, अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल में करेंगे. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट. प्रेजेंट टेंस के चार टेंस होते हैं, पास्ट के चार, फ्यूचर के चार. ठीक है, अब देखिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग कहां करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें रूल आए ना आए, हमें वर्ड आए ना आए, लेकिन अगर हमें सिचुएशन का पता है कि यूज करना कब है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कब कब करना है, कौन सी सिचुएशन में करना है, वर्ड हमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा. आप देखिए, ठीक है, एक तो हम करेंगे इसका सामान्य वर्तमान में, जो सामान्य जो है होने वाली जो क्रियाएं हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस में वहां करेंगे. दूसरा, शाश्वत सत्य, यानी सामान्य बोल सकते हम, सामान्य सत्य है ना, आदतों का, दिनचर्या, क्रियाओं और निकट भविष्य की नियोजित कार्यों को व्यक्त करने के लिए. मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, टेंस सबको आते हैं आज की डेट में, कौन ऐसा जिसे टेंस नहीं आते हैं, रूल किसे नहीं आते हैं, सबको रूल आते हैं, सबको टेंस आते हैं. प्रॉब्लम इज देयर व्हेन टू यूज टेंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम. क्लियर, आज मैं आपको एक एक चीज क्लियर करके बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है. ठीक है ना, बस आप अंत तक बने रहें. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करता है, एक्शन अक्रे इन प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में जो भी एक्शन होगा, है ना, इटर्नल ट्रुथ्स, शाश्वत सत्य जिसको हम बताते हैं, है ना, कॉमन ट्रुथ्स, सामान्य सत्य है ना, हैबिट्स, डेली रूटीन एक्शन, याद रखना ये पॉइंट्स. अब ये क्या है, ये मैं भी आने वाली स्लाइड में आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा, ये कैसे सेंटेंसेस में यूज होते हैं. उसके बाद है आपका डेली रूटीन एक्शंस एंड प्लान्ड नियर फ्यूचर एक्शंस, भविष्य के नियर, जो निकट भविष्य में जो हम प्लान करते हैं ना, उसमें यूज करते हैं. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन. अब देखिए, जो फर्स्ट था हमारा शाश्वत, इटर्नल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ, इसको हम जनरल ट्रूथ भी बता सकते हैं या फिर इटर्नल ट्रूथ भी बता सकते हैं. देखो, सूर्य चमकता है, जो मैंने कलर्ड में किया है, हाईलाइट किया हुआ है, वो आपको ये दर्शाएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है. प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सेंस क्या दे रहा है ये आपको, शाश्वत सत्य. अब चमकता है सबको पता है, तो हमने टेंस कौन सा करना है, जो मतलब नित्य सत्य है, मतलब जनरल ट्रुथ है. अब देखिए दूसरा, तारे रात को चमकते हैं, ये भी सत्य है, शाश्वत सत्य है, है ना. मछलियां तैरती हैं, ये भी शाश्वत सत्य है, फिश इज स्विम. अब सिंगुलर प्लूरल तो आपको पता है, इसको बार बार दोहराने या बोलने की तो आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए इतने वीडियो अपलोड करने के बावजूद, अब तो इसके ऊपर हमारी मास्टरी हो चुकी है ना. तो बस आपने ये देखना कि स्लो एंड स्टडी हाउ वी कैन इंक्रीज आर लेवल, है ना, लेवल अब हमारा बढ़ने वाला है. ठीक है ना, हाफ ऑफ द ग्रामर आई हैव कंप्लीटेड इन माई वीडियोज. ठीक है ना, नो डाउट आपको लंबी और बड़ी वीडियो लग रही होगी, लेकिन मैंने पूरा पैकेज आपको उस पर दिया है, पूरा पैकेज. एक बार आपने पूरी वीडियो देख लेने, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, कहीं भी जाने की, कुछ भी समझने करने की नहीं है. पूरे पैकेज मैंने आपको उस वीडियोज में दिए हुए, सारे पैकेज, कंप्लीट नॉलेज.
ठीक है। काशी गंगा नदी के तट पर स्थित है, काशी गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये भी शाश्वत सत्य है, इटर्नल ट्रुथ है ये, ठीक है। इस केसेस में भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। और अब बाकी आप देख सकते हैं सिंगुलर प्लूरल है, एस और ईएस है, क्यों लगता है ये हमें पता है ना। अब आइए आप दूसरा जो प्रयोग करते हैं हम, हैबिचुअल एक्शन और डेली रूटीन में कैसे यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। बस आप बने रहिए एंड तक, देखिए स्किप मत करिए वीडियो। अब देखिए आप, वह दिन में कभी झपकी नहीं लेता। अब आप इसको आदत मानो या फिर दैनिक दिनचर्या मानो, डेली रूटीन मानो। झपकी का मतलब क्या है, आपको पता है नैप, सोना, थोड़ा सा भी नहीं सोना, मतलब झपकी नहीं लेता। अब आपको पता है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस और यस लगना ही है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सेंस देखो आपकी, ये क्या बन रहा है, ही नेवर टेक्स अ नैप ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना। अब सेकंड देखिए, ये मुर्गियां रोज एक अंडा देती हैं, ये दैनिक कार्य हो सकता है आपका दिनचर्या, या फिर ये हैबिट हो सकती है उसकी, वो पर डे जो एग देती है ना। दी चिकन्स ले वन लेग डेली, सब्जेक्ट आपको पता है प्लूरल है तो ले है ना, ऊपर टेक्स लगा है तो क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, isn't it? So थर्ड वन, वह हमेशा सच बोलती है, डेली रूटीन एक्शन मान के चलो या फिर आदत मानो। शी ऑलवेज टेल्स द ट्रुथ, है ना। अब देखिए आप फोर्थ वन, वह बहुत बार आता है, ही कम्स वेरी ऑफन, ये आदत हो सकती है उसकी, डेली रूटीन है। सो वाई वी कंफ्यूज सच टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेज कम्स इन आर कम्युनिकेशन, ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए ऑटोमेटिकली। वी कैन यूज दिस सेंस रूल्स वट एवर वी हैव मेड एंड लर्नड, क्लियर, ओके। अब देखिए आप, निकट भविष्य में घटित होने वाली एक्शन या कार्य, प्लैंड नियर फ्यूचर एक्शन, अगर हमने कोई प्लान किया है जो आने वाले टाइम में हो सकता है, वो कल परसों इतने में, मतलब जो वेरी मतलब नियर हो, ठीक है। अब जैसे कि मेरा स्कूल जुलाई के महीने में खुलता है, माई स्कूल ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, अब ये आप जो है आने वाले टाइम में बात कर रहे हैं जो होने वाला होगा, ठीक है। दूसरा देखिए आप, अगले महीने मेरा जन्मदिन आता है ना, माई बर्थडे कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ, है ना, उसका अगले महीने लंदन जाने का इरादा है, प्लान है ना, शी इंटेंड्स टू गो टू लंदन नेक्स्ट मंथ। द नेक्स्ट, वह परसों पहुंच रही है, अब आप यह सोचेंगे कि कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, शी रीचेज हियर डे आफ्टर टुमारो, ठीक है ना। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहां पर, देखो आप परसों आ रही है, तो परसों से हमें पता लग जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने यूज करना है, नियर फ्यूचर प्लान है ना। अब देखिए, मैं 30 जून को रिटायर हो रहा हूं, अब कॉन्टिन्यूस टेंस तो हो नहीं सकता है, अगर रहा है रहे हैं, अगर इस तरीके से हम लर्न करते हैं तो 30 जून को, यहां से पता लग रहा है कि फ्यूचर के ये प्लान है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, आई रिटायर ऑन 30th जून, क्लियर। अब देखिए आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा सा रूल समझते हैं, इसको डिटेल में करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम जब सेंटेंस बनाते हैं किसी भी टेंस में है, ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, मेनली ये तीन चीजें हमें आनी ही आनी चाहिए, फाइंड करनी आनी चाहिए और लिखनी और फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, समझ तो लिया हमने, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल पर्सन है ना, नेमिंग वर्ड वो कर दिया हमने, ठीक है। अब सब्जेक्ट वो होता है जो काम करेगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा डेफिनेशन में दिया है मैंने, ऑब्जेक्ट जिसके बारे में सब्जेक्ट जो है काम कर रहा है या जिसके लिए एक्शन करेगा, है ना, ऑब्जेक्ट जो होता है जो एक्शन को रिसीव करेगा, करने वाला और काम को लेने वाला, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब जिसके लिए काम की जाए, कोई भी काम होगा वो वर्ब में आता है, डेफिनेशन देख लीजिए,
अब सॉरी यस का रूल वर्ब में कब लगना है और ये हम कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में कर चुके हैं, एक बार रिवीजन ले लेते हैं। कैसे लगेगा एस और ईएस? एस लगेगा कि ईएस लगेगा, ठीक है ना? बस ये रूल मैंने दे दिए हैं, रिवीजन भी हो जाएगा और हमारा लर्न भी हो जाएगा, बेहतर तरीके से हो जाएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? अब प्रेजेंट आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट की अगर हम बात करते हैं उस पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस और एस लगाते हैं वर्ब की हम बात कर रहे हैं। कैसे करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगेगा, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा इंडेफिनेट टेंस की। फिर बात आती है कि कहां एस कहां ईएस लगेगा। सेकंड पे देखिए आप, अगर वर्ब का कोई भी फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है इंडेफिनेट टेंस का, टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट जिसको हम बताते हैं, अगर उसका जो अंतिम अक्षर होते हैं ना लेटर, ठीक है, अगर वो डबल एस से खत्म हो रहा है, ओ से हो रहा है, जेड से, एक्स, सी एच, एस एच, बस ये याद रखना है, ठीक है, अगर यहां से खत्म हो रहे हैं कोई भी वर्ड हमारा वर्ब का, उसके साथ ईएस जोड़ दो। लेट्स सी हाउ वी कैन एड सच टाइप ऑफ द वर्ड विद सच सफिक्सेस, ठीक है? अब देखिए आप, है ना, अब आप वो लेटर देखिए जिसके बाद ईएस जोड़ा जाता है और एग्जाम्पल को आप फॉलो करिए और वाई को भी देखिए जो सेमी वॉवल कहा जाता है। अब वाई का आई हो जाता है, अब ये भी हमें पता होना चाहिए कब होता है, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूं सिंगुलर और प्लूरल में, अगर ये मैंने रिवीजन के तौर पर टेंस के लिए किया, अगर आप भूल चुके हैं तो यहां पर टेंस हमें जो है थोड़ा सा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है ना? रिवीजन भी हो गया, अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो यू कैन गो ओवर देयर एंड वॉच माय वीडियो टिल एंड, यू विल फाइंड करेक्ट एंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द यूजेस ऑफ दैट सफिक्सेस इन द सिंगुलर प्लूरल केसेस। नंबर जेंडर में करवा चुका हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैक्सिमम मैंने कवर कर दिया है। दैट्स व्हाई एट द सेकंड लेवल आई चूज टेंसेस, बिकॉज अगर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पता नहीं होता हम टेंसेस को बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते थे, इसीलिए मैंने इसको सेकंड फेज में लिया, ठीक है? अब देखिए आप, ओ से खत्म होने गो गोज, डू डज, फॉर गो फॉर गोज, सी एच में खत्म होने वाले टीच टीचेज, रीच रिचेज, कैच कैचेज, है ना? डबल एस से देखिए आप, मिस मिसेज, किस किसेज, हिस हिसेज, इस तरीके से। फिर एस एच, है ना, फिनिश फिनिशेज, स्प्लैश स्प्लैशेज, वॉश वॉशेज, ठीक है ना? एक्स बॉक्स बॉक्सेज, फैक्स फैक्सेज, रिलैक्स रिलैक्सेज। अब वर्ड एंडिंग विद वाई, अब आपने देखा होगा वाई को हम आई ई एस में चेंज करते हैं, अब क्यों? उससे पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट आता है वाई से पहले, एक चीज आपने ध्यान रखनी है, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में तो वाई को आई में चेंज हो जाएगा और ई एस जोड़ जाएंगे हम। अब देखिए क्राई दिया हुआ है, और क्राई का वाई से पहले आर है जो कॉन्सोनेंट है, क्राइज, वाई चेंज इन टू आई, ये एक ध्यान रखना। अब वाई वाई ही रहेगा और एस और एस रहेगा, वो तब होगा अगर वाई से पहले अगर आपका वॉवल आ रहा है, नहीं समझ रहे? अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, टॉय टी ओ वाई, अगर टॉयज करना होगा तो आई एस करेंगे आप? नहीं, क्योंकि वाई से पहले वॉवल है टी ओ वाई, ठीक है? इस तरीके से कोई वर्ड आए तो सिंपल एस लगेगा, ठीक है, ईएस नहीं जोड़ेगा, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तब हम इसको वाई का आई हो जाएगा और ईएस जोड़ देंगे। अब देख सकते हैं, ट्राई ट्राइज, स्टडी स्टडीज, फ्लाई फ्लाइज। अब आ जाओ पर्सन के बारे में जो हमने सबसे ही पहले कर दिए थे, कवर कर दिए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कि पर्सन का पता होना जरूरी है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, पजेसिव के रूप में, है ना,
एक्यूजेटिव क्यों हो गया, पजेसिव हो गया, पर्सन जेंडर है। इसको आज थोड़ा सा सेंटेंसेस में अंडरस्टैंड करने के लिए कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, क्या बोलते हैं इसको, स्पीकिंग पर्सन, बोलने वाले व्यक्ति फर्स्ट पर्सन होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं और हम, आई वी, मैं हम, सिंगुलर प्लूरल, क्लियर। सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन प्लूरल, यानी कि जिससे करता संबोधित करता है, जिसके लिए बोलता है, तुम, ठीक है ना, यू यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल, जिसको हम, जिसके बारे में बात करते हैं, जिसको संबोधित करे, जिसके बारे में बात की जाए, बस इस तरीके से समझिए आप। और जैसे कि ही, शी, इट, दिस, दैट, राम, कैट, पेन, गर्ल, एटसेट्रा, ठीक है, वो देखिए आप, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, सिंगुलर और प्लूरल, दे, ही, शी, इट, दिस, दे, ठीक है, दे, दीज, दोज, डॉग्स, डॉक्टर्स, बॉयज। अब बॉयज को देखो आप, वाई है ना, वाई से पहले वावल है और सिंपल एस जोड़ा हमने प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। अब थोड़े से रूल कर देते हैं इसको, कैसे बनता है सेंटेंसेस हमारा, कैसे बनाते हैं, जनरल रूल क्या है हमारा सेंटेंसेस बनाने का, ये थ्रू आउट पास्ट फ्यूचर तक चलेगा हमारा, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें भी काम है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब कैसे बनता है हिंदी का और इंग्लिश में, स्थान कैसे चेंज कर लेते हैं वो सब्जेक्ट। अब जैसे एक एग्जांपल है, मैं अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाता हूं, अब मैं क्या है, देखो आप, सब्जेक्ट हो गया। अब क्रिया क्या है इसमें, पढ़ाना है ना, और ऑब्जेक्ट अंग्रेजी व्याकरण, ये तो हमने इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो यही फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। और हिंदी में देखो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब कैसे आता है, समझ आ गई। उसी तरीके से अगर हम इंग्लिश में चेंज करते हैं, वर्ब हमारा बीच में आ जाता है, एसओवी का जो रूल है वो एसवीओ में चेंज हो जाता है इंग्लिश में, इतना पता होना चाहिए, दैट्स इट, यही रूल है हमारा, बाकी कुछ नहीं। बाकी आपको पता, सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए कैसे लगनी, क्या लगनी है वो हम कर चुके हैं, है ना, और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए आप एग्जाम्पल बनाना, मैं अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाता हूं, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, अंग्रेजी व्याकरण क्या चीज है, ऑब्जेक्ट, पढ़ाता हूं क्या है, वर्ब। हिंदी में तो इस तरीके से रहेगा, जब इंग्लिश में करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हम यूज करते हैं, जबकि हिंदी में लास्ट में वर्ब आ रही है हमारी, बस ये ध्यान रखना है। ऑटोमेटिकली हम इंग्लिश बना लेंगे और बोल भी लेंगे और अपने से जो है कम्युनिकेट भी कर लेंगे, नो नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, जस्ट पे अटेंशन द वर्ड ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेज, ठीक है। सेंटेंस अब कैसे बना, आई रीड इंग्लिश ग्रामर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हिंदी में मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, दैट्स ऑल। सेकेंड सेंटेंस देखिए आप, राम अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाता है, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बीच में आ गया ना, और वर्ब आपका लास्ट में, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। अब आप देखिए, राम रीड्स इंग्लिश ग्रामर, अब आप एग्जांपल देख लीजिए, हिंदी की पहचान प्रेजेंट इंडेफिनेट में, ठीक है। अब इंग्लिश में देखो आप, कितना टफ है और कितना इजी आपको लगेगा, वह कॉलेज में पढ़ता है, कुत्ता भौंकता है ना, वह अपने माता पिता का कहना मानती है, मैं उसे रोज पढ़ाता हूं, वह हर बात में मुझसे परामर्श करता है, हम स्कूल इकट्ठे जाते हैं, वह रोज पढ़ाता है, मैं रोज पार्क जाता हूं। अब इंग्लिश में देखिए आप, और वर्ब देखिए, ऑब्जेक्ट देखिए, बस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इंग्लिश का ये ध्यान रखना है। हिंदी में ऑटोमेटिकली जैसे हमें पता लग जाता है कि हिंदी का सेंटेंस गलत बन रहा है, सही बन रहा है, बस फोकस हमने इंग्लिश में करना है कि इसका ऑर्डर कैसे रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इंडेफिनेट का अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ये भी हमें पता होना चाहिए, नॉट कहां यूज करेंगे, वर्ड ऑर्डर के अनुसार, बाकी सेम है हमारा प्रोसेस चला हुआ है, ठीक है, पर लगेगा कहां नॉट, बस इसीलिए ये जो रूल बनते हैं हम लिखते हैं इसको रूल,
एक्चुअल में वर्ड ऑर्डर है। जैसे आरिफ सच नहीं बोलता है, आरिफ डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। नाउ क्वेश्चन अराइज, अब डज कहां से आ गया इसमें भाई, इसका तो जिक्र ही नहीं किया था हमने अभी तक। डू और डज भी है मेरे दोस्तों, इस पे डू डज का ध्यान रखना है। ये मेन वर्ब भी होती है, ऑक्सिलरी वर्ब भी हम इसको लेते हैं, और यूज ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में यूज होता है, ये याद होना चाहिए, बस रूल लर्न है। नेगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू और डज, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ये भी बताऊंगा, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज यूज कर दिया तो उसका क्या सेंस होगा, है ना। अब देखिए, पहले सब्जेक्ट, फिर आएंगे आपका डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, आरिफ सच नहीं बोलता है, आरिफ थर्ड पर्सन है, तो डज आएगा, और उसके बाद नॉट, उसके बाद आएगा वर्ब, फिर आ गया अदर्स में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। आरिफ डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, बच्चे शोर नहीं करते हैं, बच्चे प्लूरल, चिल्ड्रन, डू नॉट मेक अ नॉइज, द नॉइज, है ना। मुझे आपका व्यवहार पसंद नहीं आता है, आई प्लूरल हो गया ना, डू नॉट लाइक योर बिहेवियर। सब्जेक्ट का भी पता लग जाता है, लगा लो जब सेंटेंस बनाते हैं, है ना, तो उसी के बाद आपको पता है डू प्लूरल में होता है और डज सिंगुलर में ही होता है। हमें पता सिंगुलर प्लूरल क्या है, मैं काम से जी नहीं चुराता हूं, मैं, आई डू नॉट शर्क वर्क। शेर घास नहीं खाता है, लॉयन डज नॉट ईट ग्रास। रजनी शनिवार को ऑफिस नहीं जाती है, रजनी डज नॉट गो टू द ऑफिस ऑन सैटरडे। क्लियर। उसी तरीके से देखिए आप सेकंड लास्ट एंड लास्ट, यह कुत्ता नहीं भौंकता है, दिस डॉग डज नॉट बार्क, नेगेटिव हो गया, है ना। अब देखिए आप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बने हुए हैं, देखो आप, आपको पता जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे, ठीक है, तो डू और डज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो सेंटेंस बनेगा डू डज को यूज करके बनेगा। अब इंट्रोगेटिव में देखिए, जब क्वेश्चन करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर क्वेश्चन का सेंटेंस बनाना है तो डू डज आपने दिमाग में रखना है। सबसे पहले डू डज आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज करिए जो काम कर रहा है, जो क्वेश्चन कर रहा है, उसके बाद क्या आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, तो रूल बन गया हमारा, ऑटोमेटिकली ये सेंटेंस फीड हो गया, तो वो ट्रांसलेशन का भी फीड रखना है। नेगेटिव में क्या करना है कि डू डज सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, बाकी कंस्ट्रक्शन सेम है, बाकी देखो आपको डिफरेंस है ऊपर से, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या पक्षी रोज नहीं चहचाते हैं, अब एक पक्षी की बात तो नहीं की है, जब पक्षी प्लूरल है तो देखो ना जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने, इसीलिए क्या है कि पता रहेगा डू और डज कैसे यूज करना है, नेगेटिव में और नेगेटिव इंटरोगेटिव में, ठीक है। अब देखिए, क्या पक्षी रोज नहीं चहचाते हैं, क्वेश्चन भी है और इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब देखिए आप, डू बर्ड्स नॉट चर्प डेली, क्या वे मुझसे सहमत है, डू दे एग्री विद मी, क्या वह मुझसे दूर नहीं भागती है, डज शी नॉट रन अवे फ्रॉम मी, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलती है, डज शी नॉट प्ले क्रिकेट। सिमिलरली देखिए आप, नीचे तीन चार सेंटेंसेस दिए, आप भी बनाइए, प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा ये, और इसमें कोई भी इतने डिफिकल्ट रूल नहीं है, या फिर जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना बने। अब आप देखिए, चेंजिंग ऑफ द सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव कैसे बनाना है, अफर्मेटिव मतलब जिसको हम बताते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तीनों देखो। अब जैसे आई गो टू द टेम्पल एवरी डे, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, असर्टिव सेंटेंस, यू कैन से सिंपल सेंटेंस। अब इसको हमने नेगेटिव बनाना है, हमें पता है कि नॉट कहां होगा, कहां प्लेस करना है नॉट, हिंदी में तो पता लग गया ना हमें, मैं टेम्पल नहीं जाता हूं, मैं मंदिर नहीं जाता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं मंदिर नहीं जाता हूं, आई डू नॉट
go to the temple every day? Do I go to the temple every day? ये तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग हम कर रहे हैं. जब हम नेक्स्ट फेज में अपने जो लेवल है, अभी हमारा बिगिनर का लेवल चला हुआ है, इंटरमीडिएट करेंगे, फिर हम करेंगे हाई फाई लेवल फ्लुएंसी के लिए, ठीक है ना. सबसे ही एडवांस्ड में जाएंगे तो बाद में, उस टाइम मैं आपको समझाऊंगा कि स्ट्रेस पैटर्न कैसे वर्क करता है. आपके स्ट्रेस से भी पता चलता है कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं या फिर जस्ट आप आस्किंग, यू आर जस्ट आस्किंग इन अ सिंपल वे विदाउट एनी क्वेश्चन. स्ट्रेस पैटर्न में ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क डेली, ही डज नॉट कंप्लीट, डज शी कंप्लीट हिज होमवर्क डेली, डज ही नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क डेली. नेगेटिव इंटरोगेटिव में. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड. होप यू वुड लाइक the present indefinite which I have shared with all the sentences. Thank you for watching my video. Have a nice day, all of you. Stay